वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, बहुत टाइम के बाद आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक की एक वीडियो पे। और गाइस, इसका जो टाइटल है बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो जो टाइटल है वो निकिता बताएगी। इसका टाइटल है शो मी योर गॉड राइट नाउ, वांट टू सी हिम। सो गाइस, जैसे कि इसका टाइटल हमने सुना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और हमें लग रहा है कि कोई है जो किसी का क्वेश्चन होगा कि जिसने डॉक्टर जाकिर नायक को बोला होगा कि दिखाओ गॉड कहाँ है। सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नवरात है धुंधला सा सितारा तू है। जी माइक नंबर 3 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हूँ, सवाल कीजिए। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नायक साहब को मेरा सादर नमस्कार और आए हुए सभी मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात मजहब भेष किसी स्थल का मोहताज नहीं है, वह जर्रे जर्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ, अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का बड़ा जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सर्व सारा जहां जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताज नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है? ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहि सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं,
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को, उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहि सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के नहीं, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वज देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। सो गाइज, हमने वीडियो देख ली और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, उन्होंने ये बोला था शो मी योर गॉड। तो इन्होंने जिस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर किया वो मुझे सही लगा। उन्होंने बताया कि हाँ, गॉड की जो एनर्जी है वो हर जगह पे है, हर जगह पे है, बट गॉड को देखना इतना ज्यादा इजी नहीं है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था हजरत मूसा के, उससे है ना, मूसा वाला के, उनसे दिया था, माउंटेन को उन्होंने देखा, वो उसी माउंटेन को देख के बेहोश हो गए थे। तो उन्होंने बताया था कि अगर वो माउंटेन को ही देखकर मतलब बेहोश हो गए थे तो मतलब असली में अगर देख लेते तो फिर मतलब उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था इस वीडियो में। बट गाइज, लास्ट में जैसे ये बोल भी रहे थे कि मतलब अगर हम अच्छे काम करेंगे तब हम तब हम बाद में जब जन्नत मिलेगी तब हम देख सकते हैं। मतलब ऐसे ही नॉर्मली तो कोई इंसान नहीं देख सकता। बट जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर जैसे एयर है, एयर को कोई देख नहीं सकता, बट ऑब्वियसली वो है, तभी हम जिंदा भी है। तो वैसे ही भगवान का भी कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का भी कॉन्सेप्ट है कि वो दिखते नहीं है बट वो है, उनकी एनर्जी हर जगह है। एंड सोचने वाली बात है, नहीं तो अगर हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो वो किस वजह से, मतलब कोई तो है ना, किसी की तो पावर है। सो गाइज, जिस तरह से इन्होंने आंसर किया था वो काफी सही था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।